हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ ओसवाल बुक्स की तरफ से क्लास 11 सीबीएसई 2024 के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक्स का डिटेल्ड रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बैंक लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस पर बेस्ड है, मतलब इसमें आपको कोई भी डिलीटेड टॉपिक या डिलीटेड चैप्टर्स नहीं देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्वांटिटी स्टडी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टडी। अगर किसी को सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस में कोई कन्फ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें वो भी आपको मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर्कुलर के साथ पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। मोटिवेशन की कमी है, नो प्रॉब्लम। इस बुक में पॉजिटिव अफर्मेशंस की कोई कमी नहीं है। अब इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये है इसका फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें फोकस्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी के लिए चैप्टर को टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड किया गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको हर चैप्टर में रिवीजन नोट्स, वो भी इजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। आपको अलग से माइंड मैप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें माइंड मैप्स भी दिए हुए हैं। इस बुक में आपको की क्वेश्चंस, की फैक्ट्स के साथ साथ निमोनिक्स भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज एंड लेटेस्ट टॉपोलॉजी के क्वेश्चंस, फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड केस बेस्ड क्वेश्चन जैसे 1500 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर चैप्टर इसमें टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है, तो अगर आप कोई चैप्टर ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको पहला टॉपिक मिलेगा, उसके बाद रिविज़न नोट्स, फिर माइंड मैप और QR कोड्स की इक्वेशंस के साथ साथ की फैक्ट्स, न्यूमोनिक्स और भी बहुत कुछ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद ये टॉपिक एंड होने के बाद इस पर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। एंड इसके बाद सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, इसमें भी आपको रिविज़न नोट्स विद QR कोड्स मिल जाएंगे। फिर से वही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। आखिर नाम ही इसका क्वेश्चन बैंक है। फिर जैसे ही ये एंड होगा, फिर आपको टॉपिक 3 मिल जाएगा, उसमें आपको रिवीजन नोट्स मिलेंगे और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे इसमें। एंड एट द एंड आपको यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बीच बीच में आपको एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी कॉर्नर भी दिया हुआ है, इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस पहले से ही सॉल्वड हैं। इसके बाद आपको मिल जाता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली फिजिक्स के बुक में भी आपको सेम चीज़ें मिल जाएंगी, बिल्कुल सेम तरीके से, जैसा कि मैंने आपको केमिस्ट्री की बुक में बताया। इसमें भी आपको न्यूमोनिक्स, माइंड मैप्स, की फार्मूला, की वर्ड्स, एनसीईआरटी कॉर्नर, रिविज़न नोट, सब कुछ आपको मिलेगा इसमें। अगर मैं पर्सनली अपने रिव्यू की बात करूं तो मुझे इन बुक्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरी प्रिपरेशंस कुछ खास अच्छी नहीं चल रही हैं, यूनिट टेस्ट में भी बहुत कम मार्क्स आए थे, एंड अब मैं हाफ ईयरली को बर्बाद नहीं कर सकता, तो मैं इन बुक्स का 100% यूज़ करूँगा एंड आई एम श्योर इससे मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप इन बुक्स में इंटरेस्टेड हैं तो इनकी बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगी। कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये बुक्स कैसी लगी।